जो भी है पहले उसको गिरफ्तार कीजिए। सुनिए हमारी बात सुनिए, जो कानून के तहत जो भारत का जो कानून सड़क जाम कर खूब पीटम सारा के हमरा ये नहीं है खूब पीटम हम पिटाले तैयार होती ये सलूशन नहीं है ये सलूशन नहीं है। हम रिक्वेस्ट हुआ हाथ जोड़ते हैं आप लोग प्लीज सड़क जाम छोड़ कानून भाई साहब सड़क जाम मंजूर है मंजूर है न है कानून कहा गया सर तेजस्वी कहा नहीं गिरफ्तार हुआ भैया इसमें अब की बात नहीं है ये हमारा क्षेत्र है ना मनीष कश्यप क्या किया तेजस्वी बहन तो कितना घोटाला किए हुए 600 करोड़ रुपया भी घर से निकल लगा सर इसी पर बैठ के पूरा चलाए बिहार और लिखते की होते भारत का आप भी नौकरी की होगी तो माल दिए होंगे भारत का लोकतंत्र है 5 कट्ठा जमीन सर जी आप कहला बोल रहे हैं मालूम है एक मिनट हम तो लोग आप पेमेंट उठाते हैं ना आपका बाल बच्चा परिवार सुखी रहता है ना आपको आपको किसी की जरूरत नहीं है। सुनिए ना हमारे लिए लड़ने वाला एक आदमी था मनीष कश्यप उसको भीतरी खड़वा सात दिन में आप सुनिए हमारी बात मानिए हमारी बात मानेंगे ना जी हम यहाँ का थाना अध्यक्ष नहीं आपके बड़े भाई को जी गार्जियन भी है गार्जियन का बात नहीं मानिएगा भैया उसने तो भैया रहे मनीषो भैया अच्छा भीतरी करवा हमारे आप लोगों का आवाज उठा हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है कभी नहीं है हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं है हमारा कोई व्यक्तिगत किसी प्रॉब्लम है नहीं हम आपके लिए खड़े रात भर जगे रहते हैं आपके लिए तो हमारी बात मान के बड़े भाई का बात मान के आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जाम मत लीजिए जो हमारे कानून में कानून को अपने हाथ मत लीजिए मेरा बड़े भाई का आदेश हुआ चाहे रिक्वेस्ट हुआ हाथ जोड़ते हैं आप लोग प्लीज सड़क जाम छोड़िए मंजूर है न है कानून कहा गया सर तेजस्वी कहा नहीं गिरफ्तार हुआ भैया इसमें अब की बात नहीं है ये हमारा क्षेत्र है ना मनीष कश्यप क्या किया तेजस्वी बहन तो कितना घोटाला किए हुए 600 करोड़ रुपया भी घर से निकल लगा सर सुनिए जो भी है पहले उसको गिरफ्तार कीजिए। सुनिए हमारी बात सुनिए जो कानून के तहत जो भारत का जो कानून है जो भारत कानून का हमारी नौकरी है मेरी बात सुनिए भारत में जो कानून है उसे हम लोग सब कुछ जीते हैं हम लोग टोटल गार्जियन घर परिवार सब चलता है चलता नहीं चलता भारत कानून उसी से चलते हैं। जी हाँ, 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 बात सुनो पहले बोले दीजिए बात सुनो आप गुस्सा करिए कोई बात नहीं गुस्सा करना जायज है गुस्सा जायज है लेकिन जो भी कानून के तहत तरीका मिला है उसी के तहत प्रदर्शन कीजिए आप धरना कीजिए हटा कीजिए सुनिए मेरी बात सुनो बाबू लेकिन सड़क जाम करना गैर कानूनी आप सड़क जाम नहीं कर सकते ये मेरी बात है और हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं गार्जियन मानते हैं तो हमारी बात को सुनकर हमारी बात को सुनिए बच्चों कभी भी इस चक्कर में पड़िए आप लोग सब लोग कर रहे हैं एक पुलिस केस हो जाएगा वो समस्या में पड़ जाएगा तैयार होती ये सलूशन नहीं है हल निकालना चाहिए गार्जियन कहाँ से लाऊं सलूशन कौन आएगा अभी आप आते पूछने जब तरह के मन में की चल रहा है अभी रोड ना खड़े आप आते भी नहीं मेरे मैं जान लीजिए 24 घंटे यहाँ शांति से बंदी हुआ है किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है अथी हमारे से ज्यादा क्लोज तक तो नहीं जाए थोड़े ना की हो रहा है वो हम कर रही है बतिया लिए अभी सड़क पर देखो भैया सुनो हम साफ बात कहल चीज हम रजनीश न हती ये तो 1 लाख रजनीश अरे सबके मन में युवा पीढ़ी है युवा पीढ़ी जो भी बच्चे हैं जो भी यंगर लोग हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए सड़क जाम करना सोल्यूशन नहीं बन रहा पढ़ लिख के की होता है पढ़ लिख के नहीं होगा कानून में नहीं होगा आप लोग कुछ ला रहा है जमीन में नहीं होगा ये लोग ये लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है ये लोकतंत्र भारत का है भारत का लोकतंत्र है लोग आ जाते भैंसी पर बैठ के पूरा चलाए बिहार और लिख के की होता है भारत का आप भी नौकरी की होगी तो माल दिए होंगे भारत का लोकतंत्र है 5 कट्ठा जमीन सर जी आप कहला बोल रहे हैं मालूम है एक मिनट हम भारत का लोग तो आप पेमेंट उठाते हैं ना आपका बाल बच्चा परिवार सुखी रहता है ना आपको आपको किसी की जरूरत नहीं है सुनिए ना हमारे लिए लड़ने वाला एक आदमी था मनीष कश्यप उसको भीतरी खड़वा सात दिन में जी आप सुनिए सुनिए 18 घंटा पढ़ाई करके दरोगा बने 18% कुछ नहीं हुआ ये सलूशन नहीं है पैसा मांगा सलूशन नहीं है पैसा मांगा सर कभी नहीं है बाप रिटायर हो जवान के बेटा है एक मिनट सुनिए आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए लोकतंत्र है ये हम 82% नंबर लाकर जनरल में हम दरोगा बने हैं तो थोड़ी है कि हम बिना पढ़े आ गए हैं मेरे तो पिताजी भी नहीं थे सुनिए हम पिताजी से मेरी माँ मजदूर थी हमको पढ़ा कर दरोगा बने होता है कर्म यूपीएससी का स्टूडेंट रह चुके हैं आपका अधिकारी होते हैं किसी भी बच्चे को आप अच्छे बात है हम आपका साथ है आप जनाब हट जा दीजिए प्लीज हम बड़े भाई आपका आदेश हम कह रहे हैं ना
हमारा बात का पालन कीजिए। आप सर अभी बोले ना, लोकतंत्र है, मनाइए तेज हमरे तरफ से लोकतंत्र का मनीष का सबको छोड़ दिया जाए। हम लोग को कहने दीजिए, ये सलूशन नहीं है, ये सलूशन कभी नहीं है। जो 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 जहां गया है, जिस कारण से गया है, न्यायालय है सर, हम सर इसमें न्यायालय नहीं है भैया। सुनिए, सजा देने का काम न्यायालय का है।